हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से आर्यन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के ही विषय में चर्चा करूंगा और आप लोग ध्यान पूर्वक देखें और समझें इसे, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति, क्लास 10 का है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, इसमें देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो यह तीन शब्दों के मेल से बना है, जो त्रिकोणमिति जो है सो तीन शब्दों के मेल से बना है। इसमें तीन शब्द कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जहाँ तीन कोण, ऐसी आकृति जहाँ तीन कोण की माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में तीन कोणों के माप कहाँ पर होती है, तो त्रिभुज में होती है। तो यहाँ पे लिखे तीन कोण की माप कहाँ पर होती है, तो त्रिभुज में होती है। ती देखिए ये मेरा त्रिभुज है। ती देखिए बताइए कैसा त्रिभुज, ये जैसे समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री का है और बाकी ये दो कोण 90 डिग्री से कोण से छोटा है। तो आर्यभट्ट ने इसको नाम दिया, जो नीचे वाला जो इसका बीच है इसका आसन्य भुज रखा, और इसके जो खड़ा जो लेंथ है इसको इन्होंने सम्मुख भुज बोला, यानी कि जो थीटा के सामने वाला को इन्होंने बोला सम्मुख भुज, इसका नाम लंब दिया। और देखिए ये ए लंब और आधार से ए बड़ा है, इसलिए इसका उन्होंने आर्यभट्ट ने इसका नाम कर्ण दिया। ये जो है से ए दोनों से बड़ा भुज है। आर्यभट्ट ने बोले कि आसन, यहाँ पर देखिए कि आसन्य भुजा इसलिए नाम दिया है कि लग रहा है कि ये जो आसन्य भुजा जो है से पूरा त्रिभुज इस पे आसन कर रहा है। अभी थीटा यानी कि थीटा को अगर हम मुखिया कहे तो मुखिया के सामने वाला सम्मुख भुज है, इसीलिए इसका नाम आर्यभट्ट ने सम्मुख भुज रखा। वे जो है सम्मुख भुज और आसन्य भुज से ये जो है से बड़ा भुजा है। तो यहाँ पर हमने लिखा अगर मुखिया को अगर हम थीटा बना देते हैं, तब बताइए कि आर्यभट्ट ने बोला कि ये जो त्रिभुज इसमें हमको 6 सदस्य दिख रहे हैं। एक का इन्होंने नाम रख दिया, मान लेते हैं कि 90 डिग्री रखा है, और दूसरा को मान लेते हैं कि इन्होंने थीटा रख दिया है। तो आप बताइए कि 6 परिवार का एक ही मेन मुखिया होगा, तो आप इसको बना सकते हैं नहीं तो इसको बना सकते हैं। अगर आप हम इसको बनाते हैं तो ये मुखिया नहीं, ये बेनाम रहेगा। तो चलिए हम इसी को मुखिया बनाया, तो इसके मुखिया के सामने वाला लंब कहलाता है, और मुखिया के जस्ट सटा हुआ जो है आसन्य भुज कहलाता है। तो आसन्य भुज किसे कहते हैं, तो आसन कर रही है उसे आसन्य भुज कहते हैं। देखिए भुजा लग रहा है कि जो त्रिभुज जो है इसके ऊपर जो है, इसके जो ऊपर जो है से आसन कर रही है, इसीलिए इसका नाम आर्यभट्ट ने आसन भुज दे दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आसन कर रही है उसे हम आसन्य भुज कहते हैं, और यहाँ पर देखिए जो मुखिया के जो सामने वाला है, तो यहाँ मुखिया के सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है, जिसे हम लोग लंब कहते हैं। तीसरा भुजा, भुजा के नाम उन्होंने आर्यभट्ट ने दिया, जिसका नाम दिया कर्ण। तो कर्ण जो है से बड़ा है सबसे ये दोनों से, इसलिए इसका नाम उन्होंने आर्यभट्ट ने बहुत सोच समझ के रख दिया कर्ण। अब देखिए आर्यभट्ट ने जब इसका अध्ययन किया था त्रिकोणमिति का, तो देखिए इसका संबंध इससे यानी कि लंब का संबंध कर्ण से, और कर्ण का संबंध एक बारी किससे होगा, लंब से होगा। इसी तरह एक बारी कर्ण का संबंध आधार से होगा, तो आधार का भी संबंध होगा किससे, कर्ण से होगा। इसी तरह से अगर लंब का एक बार संबंध है आधार से, तो आधार का संबंध होगा किससे, लंब से होगा। तो ये 6 परिवार है, यानी कि पिता के पुत्र से क्या संबंध है और पुत्र के पिता से क्या संबंध है। उसी तरह यहाँ पर भी कि कर्ण का लंब से क्या संबंध है, और लंब का भी हम जानेंगे कि कर्ण के साथ क्या संबंध है, और कर्ण का संबंध आधार से क्या है, और आधार का संबंध कर्ण से क्या है, और उसी तरह आधार का संबंध लंब से क्या है, और लंब का संबंध आधार से क्या है। तो देखिए यहाँ पर आर्यभट्ट ने जब अपना त्रिकोणमिति अध्ययन किए थे, तो उन्होंने नाम दिया था जया, पहला के नाम रखा था जया, दूसरा के कुज्य, तीसरा से स्पर्श जया, चौथा के कोटि स्पर्श जया, और पांचवा के रखा था वयुज्य, और छठा के नाम रखा था वयुज्य। तो फिर से इसको जाने, पहला नाम रखा था जया, दूसरा कुज्य, तीसरा स्पर्श जया,
चौथा कोटि स्पर्शज्य, पांचवा वायुकोज्य और छठा इन्होंने नाम रखा था वायुज्य। अब यहाँ पर देखिए जया का उल्टा है, यहाँ हमने नाम रखा उन्होंने वायुज्य, कोज्य का उल्टा इन्होंने रखा है वायुकोज्य और स्पर्शज का उल्टा रखा है इन्होंने कोटि स्पर्शज्य। जब इन्होंने ये अध्ययन करने में हल्का तकलीफ होने लगा तो आर्यभट्ट ने इसका नाम चेंज कर दिया। अब देखिए जया का कुछ दिनों के बाद आर्यभट्ट ने नाम रख दिया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, और छठा के नाम रखा इन्होंने कोसेकेंड। जया का नाम रखा इन्होंने बाद में साइन, कोज्या के नाम रखा इन्होंने कोसाइन, स्पर्श जया का नाम रखा इन्होंने टेंजेंट, कोटि स्पर्श जया का नाम रखा इन्होंने कोटजेंट, और वायुज्या के नाम रखा इन्होंने सेकेंड, और वायुज्या के नाम रखा को सेकेंड। जब इन्होंने ये भी कुछ दिनों के बाद तकलीफ हुआ होने लगा अध्ययन करने में तो इसका निक नाम इन्होंने रख दिया साइन का नाम रख दिया साइन, कोश, टैन, टैन, कोट, सेक और कोसेक, और इस सभी में ये जो मुखिया जो है इस सब को इन्होंने ऐड कर दिया, तब हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंबाई कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर यानी कि एक बारी लंब का संबंध किससे हुआ, कर्ण से हुआ। कोस थीटा के इन्होंने रखा आधार बाय कर्ण, तो देखिए आधार बाय कर्ण, तो एक बारी कोस थीटा में इन्होंने आधार के साथ कर्ण को जोड़ा। और टेन थीटा बराबर होता है लंबाई आधार, यानी कि लंब का संबंध किससे हुआ, आधार से हुआ। यही तीन मेन है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और ये तीनों का इसी का उल्टा कर दीजिए। जैसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का टेन थीटा को उल्टा कर दीजिए तो आधार बाई हो जाएगा इसका लंब। देखिए यहाँ पर था लंब का आधार से संबंध, अब की होगा आधार से लंब का संबंध। अब की सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा काची होता है, तो आपको मालूम है कि इसका उल्टा ई होता है, इसका उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए कॉस का कॉस में क्या था आधार बटा कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटा आधार, देखिए यहाँ पर कर्ण बटा आधार है। उसी तरह साइन का, तो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक में देखिए इसी का उल्टा कर्ण बटा क्या चीज है, लंब है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं लंब को पी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हो जाएगा हाइपोटेनियस, और कोस थीटा को आप कह सकते हैं बेस बटा हाइपोटेनियस कह सकते हैं। टेन थीटा में होता है परपेंडिकुलर बाई होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और कॉट थीटा में होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, और सेक थीटा का होता है हाइपोटेनियस बाय बेस होता है, और कोसेक थीटा में होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखिए देखिए कि साइन थीटा बराबर होता है वन बाय कोसेक थीटा, देखिए इसका उल्टा ही हो गया ना, कि अगर साइन थीटा बराबर काची हो जाएगा वन बाय हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है वन बाई सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है वन बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है वन बाय टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है वन बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है वन बाय साइन थीटा। देखिए इसी का जस्ट सब उल्टा है, यानी कि साइन थीटा तो साइन बाई हो जाएगा कॉस, कॉस का तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन बाय सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा वन बाय कॉट थीटा। अब सब फिर ये तीनों का ही इसका उल्टा कर दीजिए, फॉर्मूला एक साथ देखेंगे हम लोग कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसी तरह कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, हमने इस त्रिभुज में यहाँ पर इसको थीटा को मुखिया माना था, तो अगर हम इसमें अगर यहाँ पर थीटा माने तो थीटा के सामने वाला काची हो जाएगा ये लंब कहलाएगा। अब ये जो थीटा के सामने वाला काची हो जाएगा लंब हो जाएगा, अब इसके जस्ट बगल वाला हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करें और उन्हें बताएं और उनको समझाएं।